ओके, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजा और उनके राज्य। तो अभी हम लोग क्या चीज़ कवर कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी क्लास 7th। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आज हम लोग बात करेंगे सेकंड चैप्टर के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा है तो आप लोग को आई बटन में क्लिक करना है और उस वीडियो को जाके वहाँ से देख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग बात करेंगे मेनली कि जो राजा थे और उनके जो राज्य थे वे किस तरह से विकसित हुए, वे किस तरह से बनने लगे। तो पूरी एक हिस्ट्री का एक हम लोग कहानी बनाते हुए चल रहे हैं, तो कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करो क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग इस मैप से स्टार्ट करेंगे आज कि इस मैप में क्या बताया गया है, किस तरह से जो राजा थे 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी में उनके जो प्रमुख राज्य थे वे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कई ऐसे राज्य थे जिन्होंने जगहों पर राज्य किया और उनके जो राजवंश थे उनको यहाँ पर दिखलाया गया है। तो मानचित्र 1 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, गुर्जर प्रतिहार। जैसे कि आप लोग को ये गुर्जर प्रतिहार दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूरी एक डायनेस्टी है ना, पूरा ये क्या है, पूरा एक इनका राज्य है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखना है राष्ट्रकूट, तो ये आपको राष्ट्रकूट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पाल, चोल और चौहानों का स्थान निर्धारण कीजिए, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये चोल है और यहाँ पर पाल है, ठीक है। अब आप लोग को ये मैप में एक चीज़ बहुत ही कॉमन दिख रही होंगी कि यहाँ पर ये जो लाइन बनाई गई है ना, ये देखो पूरी जो लाइन बनाई गई है, इस लाइन में आपको क्या दिखेंगी, जो एकदम क्लियर लाइन नहीं है, जैसे ये क्लियर लाइन है वैसे आपको ये लाइन नहीं दिखेंगी, यहाँ पे आपको लाइन 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 दिखेंगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तनशील सीमाएं कहते हैं। मतलब ये आपसी में उस समय में क्या होता था कि ये लोग कंटिन्यूसली युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध करने से क्या हो रहा था, ये कभी भी इनके क्षेत्र में कोई भाग आ जाता था, इसलिए इसको परिवर्तनशील जो रेखाएं हैं उन चीज़ से दिखाया गया है, क्योंकि कभी भी ये झगड़ते रहते थे आपसी में, तो कोई भी भाग ये जीत लेते थे तो फिर ये लाइन को वो उसके अंदर ले लिया करते थे, ठीक है। तो मेनली आज हम लोग चोल के बारे में पढ़ने वाले हैं और भी आगे गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मैप से आपको समझ में आ गया है कि इस समय में कि जो गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट, पाल, चोल और जो चौहान थे वे यहाँ पर राज्य कर रहे थे। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो कुछ नए राजवंशों का भी उदय होते गया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गई 7वीं शताब्दी के आते आते क्या हुआ, जो उपमहाद्वीप थे, सब कॉन्टिनेंट, उसके विभिन्न बड़े भूस्वामी युद्ध सरकार अस्तित्व में आ चुके थे। मतलब कि नए नए जो राजा थे, नए नए जो रजवाड़े थे वे अब आने लगे थे, ठीक है। राजा लोग प्राय अपने महाबत या सामंत के रूप में माना जाते थे, मतलब वे खुद को क्या मानते थे, सामंत मानते थे, और वे उम्मीद करते थे कि वे जब भी आए तो राजाओं के लिए क्या लेके आए, उपहार लेके आए, ठीक है। और जब भी वे आए तो अपनी जो प्रेजेंटी है या अपनी जो हाजिरी है वे लगाए और उन्हें सहायता प्रदान करें, ठीक है। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर वे खुद को क्या मान लेते थे, सामंत मान लेते थे, ठीक है, सामंत मान लेते थे। फिर अपने आप को वे महासामंती मान लेते थे, मतलब आप कुछ भी करो वे खुद को सामान मान लेंगे, और फिर अगर उनकी उनके पास लोग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो वे खुद को क्या मान लेंगे, महासामंत मान लेंगे। और कभी कभी वे खुद को क्या मान लेते थे, महामंडलेश्वर, जो कि पूरे मंडल का महान स्वामी होता है, ठीक है। तो इस तरह से वे खुद ही निर्धारण कर लेते थे कि वे सामंत है, महासामंत है, और वे महामंडलेश्वर है, ठीक है, इत्यादि वे क्या कर देते थे, खुद ही को घोषित कर देते थे। फिर कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत को स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, मतलब वे उनको कोई किसी से मतलब नहीं होता था, वे खुद खुद को डिक्लेयर कर देते थे और वे स्वतंत्र थे, इस चीज़ का भी वे दावे कर दिया करते थे, ठीक है। तो इस तरह के अगर हम लोग उदाहरण के लिए देखें तो दक्कन में राष्ट्रकूटों का था, ठीक है, दक्कन में क्या था, राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राज्यों के अधीनस्थ थे, ठीक है। अब क्या हुआ, 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान कौन, दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी, जो कि स्वामी बनते थे, उनके अधीनस्थता से क्या कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया, ठीक है। दंतीदुर्ग आपको याद रखना है क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जब आप लोग पढ़ रहे हो तो एक कॉपी पेन लेके बैठो कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको यहाँ पे दिखती है तो आप लोग उनको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। तो उसे हराया और हिरण भर, जो कि शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो ये माना जाता था कि इसे याजक जन्मया क्षत्रिय या होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रिय प्राप्त कर ले। मतलब वे चाहते तो थे कि वे क्षत्रिय हो पर वे नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ और उदाहरण में देखें तो अगमी परिवारों के पुरुष ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, ठीक है।
कौन थे? ये ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्रों को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्ण क्या कर लिए, इन लोगों ने स्थापित कर लिए। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हुआ करती थी। तो जैसे कि आपको ये यहाँ पर कुछ मूर्ति दिखाई देंगी, तो ये मेनली क्या है, ये एक एलोरा की गुफा है। 15 का भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष रूप में दिखलाया गया है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है? ये राष्ट्रकूटों की काल की कृति है। फिर आपको एक प्रश्न है, उसको बारे में देखना है कि क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासन बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था। तो आपको बताना है कि वहाँ पर जब अगर आप लोग उस समय पर हो, तो अगर आपको एक शासन बनना है तो आपको क्षत्रिय होना ये महत्वपूर्ण है या नहीं है, इस चीज़ को आपको बताना है। क्योंकि पहले से ही चला आ रहा है कि जो लोग क्षत्रिय होते थे वे ही लोग राजा बनते थे, ठीक है? तो आप लोग को बताना है कि उस दौर में अगर आपको राजा बनना है तो क्या आपको क्षत्रिय होने का मतलब क्षत्रिय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो राज्यों में प्रशासन भी चलने लगा, है ना? इन नए राज्यों में कई कईयों ने महा राजाधिराज, राजाओं के जो राजा होते थे, ठीक है, तीन भुवनों का स्वामी जिसको हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुवन, चक्रवर्तीन, और इसी तरह वे अन्य भारी भरकम उपधारियाँ धारण की, ठीक है? तो लोग क्या करते थे, जो उन लोगों का वो होता था तो वो लोग खुद ही मान लेते थे कि वे राजाओं के राजा है, और उसको वे क्या कहते थे, महाराजाधिराज। और वे जो तीन भूमि के स्वामी होते थे उनको वे क्या कहते थे, त्रिभुवन चक्रवर्तीन। तो वे खुद को क्या करते थे, खुद की जो उपलब्धियां है उसको वे धारण कर लेते थे। लेकिन इस तरह के दावे के बावजूद वे अपने सामंतों के साथ साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी साझेदारी करते थे। ये सब होने के बाद भी वे क्या करते थे, जो उनके सामंत थे उनके साथ ही वो किसानी, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के जो संगठन होते थे उनके सारे वे क्या करते थे, साझेदारी किया करते थे, ठीक है? इतना अगर आपको समझ गया है, तो अगर हम लोग आगे चले तो इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से कई संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। तो क्या होता था, उस समय के जो राजा थे, तो जो भी लोग वहाँ पर किसान कर रहे हैं या पशुओं को पाल रहे हैं या कुछ कारीगर करके कुछ बना रहे हैं, तो वे क्या कर लेते थे, उन संसाधनों को वे इकट्ठे कर लिया करते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य किया जाता था। मतलब आप जो भी उगा रहे हो, जो भी आप बना रहे हो, उसका आपको एक हिस्सा क्या करना पड़ेगा, इनको देना होगा। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। आपको पता होगा अंग्रेज अंग्रेज क्या करते थे, भारतीयों से लगान वसूलते थे। तो उस तरीके से ये पहले भी हुआ करता था कि अगर आपने कुछ उगाए हो या कुछ आपने पशुओं को पालक किया या फिर आप कोई कारीगर हो, तो आपको क्या करना होगा, जो लगान है वो देना होगा। मतलब कुछ एक हिस्सा आपको उन लोगों को देना होगा, और अगर आप नहीं दोगे तो वे आपको लगान के तौर पर वे आपसे वसूल करेंगे, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करता था, और राजस्व के व्यापारियों से भी ये जो लगान है वे लिया जाता था, ठीक है? अब अगर हम लोग आगे चले तो 400 कर, ठीक है, ये क्या है? तो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश ने अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो जो वेट्टी है वे क्या होता था, ये जबरन श्रम के रूप में ले लिया जाता था, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी भू राजस्व थे, मकान पर छाजन डालने पर लगने वाले कर, खजूर या ताड़ के पेड़, मिट्टी पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने लगते थे, और पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर, ठीक है, तो इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है? कहाँ पर मिलता है, जो तमिलनाडु के शासन जो चोल वंश था उनके अभिलेखों में ये सब चीज़ें आपको दिखती है। तो अब आपको बताना है क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं। तो आपको ये बताना है क्या कोई कर आज भी लोगों से वसूले जाते हैं या नहीं वसूले जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है, जैसे कि प्रशासन का यह रूप आज व्यवस्था से किन मान्यताओं का मायनों में भिन्न है, तो ये आपको बताना है। तो उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो ये संसाधन राजाओं की व्यवस्था में वित्तीय उधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गा के निर्माण में इस्तेमाल हुआ करते थे। संसाधन उन योद्धा को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों का प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। जैसे कि राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति मान्यता प्रभावशाली परिवारों के बीच में की जाती थी और प्राय वशंगुनत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था और कई बार राजा के निकट संबंधी इन औहदों पर हुआ करते थे। तो इन सब चीज़ों को वहाँ पर किया जाता था, ये सब चीज़ें वहाँ पर लगातार हो रही थी उस समय में, ठीक है? अब आपको पता है कि प्रशस्ति थी जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है,
और भूमि अनुदान। तो उस समय क्या होता था, कई जो राजा थे वे खुद ही अपनी प्रस्तुतियाँ लिखाने में बहुत वो थे, मतलब वो जो है वे चाहते थे कि वे वो लिखे, कोई तो भी उनके बारे में लिखे, और ऐसी प्रस्तुतियाँ आपको बहुत सी अभी भी देखने को मिलेंगी। तो प्रस्तुतियाँ में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द सत्य नहीं बोल सत्य नहीं भी हो सकते थे, ठीक है। हो सकता है प्रस्तुतियाँ कुछ जबरन भी लिखाई गई हो, इसलिए हम मान नहीं सकते कि जो प्रस्तुतियाँ हैं वे पूरे तरीके से सत्य हो, लेकिन ये प्रस्तुति हमें बताती है कि शासक खुद को कैसे दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर है ना, विजयी योद्धा के रूप में भी, और ये विद्वान ब्राह्मण द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो जो राजा थे वे खुद ही अपनी प्रस्तुतियाँ लिखाते थे, पर ये प्रस्तुतियाँ कभी सच होती थी तो कभी ये सच नहीं भी हुआ करती थी, ठीक है। तो अब एक नागभट्ट की कुछ उपलब्धियां हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कई शासकों ने प्रस्तुतियों में अपनी उपलब्धि का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रस्तुतियों के बारे में हम लोगों ने देख चुका है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग को आई बटन में क्लिक करना है और उन वीडियोज़ को देख लेना है, ठीक है। फिर अब जो प्रस्तुतियाँ थी जो कि संस्कृत में लिखी गई, ग्वालियर, आपको मध्य प्रदेश अगर आप कभी जाते हो, ग्वालियर में एक प्रस्तुति में प्रतिहर नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र सेवद जो कि सिंध विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है कि राजा में आदि धाराशाही जब वे राजकुमार थे, उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने उन्होंने वंश वंग जो कि बंगाल का एक हिस्सा है, अरनद जो कि गुजरात का एक हिस्सा है, मालवा जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा है, किरात जो कि वाराणसी का हिस्सा है, और जो तुष्कर है तुर्क वे किस चीज़ का है, तुर्क का है, और दोनों भारत के राजा राजाओं को पराजित किया है। अब आपको एक क्वेश्चन है कि इस अभिलेख में उल्लेखित इलाकों में से मानचित्र एक को ढूंढने की कोशिश करना है, और दूसरे राजाओं ने भी इस तरह के दावे किए थे। अपने विचारों को विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे आपको बताना है। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग चित्र नंबर 2 में देख सकते हो कि ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है। जैसे कि ये जो पत्र है, हम लोग पहले भी देखे कि जो अभिलेख है वे कुछ जैसे कि ये ताम पत्र है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ताम्र पत्रों का एक संग्रह है जिनमें से 9वीं सदी में एक शासन के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। मतलब जब कोई भूमि पाता था तो उसको ये दे दिया जाता था, ठीक है। उन पर राजस्व मुहर लगी है जो बतलाने के लिए है कि ये प्रमाणिक दस्तावेज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मुहर भी लगी हुई है आपको देखने को मिल सकती है, और इसका मतलब ये है कि ये एक प्रमाणिक दस्तावेज है, मतलब यहाँ पर कोई भी तरीके से फेक चीज़ नहीं हुई है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो दस्तावेज है वे किन लोगों को दिया जाता था। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में क्या करते थे, पुरस्कृत करते थे। वे ताम्र पत्रों का अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिया जाता, जो भूमि पाते थे उन लोगों को भी ये क्या करते थे, इस जो ये अभिपत्र है उसको भी क्या करते थे, दे दिया करते थे, ठीक है। उसके बाद जो भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था, अब हम लोग उसको देखेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो भूमि पाता था उसको क्या देते थे, ये जो अभिलिखित है ये जो कि ताम्र पत्र है वो दिया जाता था। अब हम लोग देखेंगे कि ताम्र पत्र के अलावा और भी क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उस समय में प्रदान की जाती थी। तो ठीक है, तो अगर हम लोग आगे चले तो ये चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि के अनुदान में शामिल भाग का एक अंश है। जैसे कि इस अंश को हम लोग पढ़ेंगे, हमने मिट्टी में मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं जैसे कि फलदार वृक्ष, ठीक है, उसके बाद पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारगाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियाँ के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गिलहरी झीलें, ठीक है। जिससे भूमि मिलती थी वह क्या होता था, जो भी चीज़ें यहाँ पर इन लोगों को मिला करती थी इन लोगों से, तो वे क्या करते थे, इससे कर वसूलते थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लगान या फिर कर वसूला जाता था, जिन लोगों के पास भी ये चीज़ें हैं तो वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल जो वसूलते थे, तो उन लोगों को क्या होता था, जो नए अधिकार थे उनके द्वारा क्या करते थे, जुर्माने के तौर पर जो कर लगाए गए कर जो है वो वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगाने वाला कर, ठीक है, ये एक कर हो गया। पान के पत्ते जो होते थे उनके ऊपर भी एक कर लगाया जाता था। उसके ऊपर बुने हुए कपड़े पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाले कर को भी वसूला जाता था। वह पक्की ईंटों से बने उभरी माले और बड़े कमरे बनवा सकते हैं, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकते हैं,
पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकते हैं, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर भी वे बनवा सकते हैं। तो ये लोग जो काम करते थे उन लोगों के ऊपर उनके हाथ में होता था कि वे जो लोग करना है जैसे कि सिंचाई के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों को वे उपयोग में ला सकते हैं। और उसके बाद यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो, मतलब जो भी लोग कर रहे हैं उसमें ये चीज़ क्लेरिफाइड होना चाहिए कि वहाँ पर किसी भी तरीके का पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए और जो भी चीज़ हो रही है उसका निर्माण होते जाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है, लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोत उल्लेख है उनकी सूची आपको बनाना है और उसमें आपको क्या करना है, विचार विमर्श करना है और उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है वो आपको बताना है। ठीक है, अगर हम लोग आगे चले तो 12वीं शताब्दी में ब्रह्म संस्कृत काव्य भी रचा गया। ठीक है, तो उस समय में क्या हुआ था, जो संस्कृत काव्य थे वे भी रचते गए, जिनमें से अगर हम लोग देखें तो जो कश्मीर में शासन करने वाले राजाओं का इतिहास वहाँ पर अभी भी अगर आप लोग देखने को जाओ तो दर्ज है। इसे कलह नामक एक रचनात्मक द्वारा रचा गया है। किस, देखो बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको लिख लेना है, जो जिससे कश्मीर में जो शासन करने वाले राज्यों का इतिहास दर्ज है इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। तो आपको पूछा जा सकता है किस रचनाकार द्वारा रचा गया है, तो आपको पता होना कि इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। तो कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों जैसे कि दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोत का वे इस्तेमाल करते थे। जो जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती थी और उनको लगता था कि इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए तो वे लोग क्या करते थे, उन चीज़ों का उस उपयोग किया करते थे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में ही बताया कि जो प्रस्तुतियाँ मिली है उनमें से जो कुछ लेखक थे वे भिन्न व अक्सर शासकों की नीति के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाते थे, क्योंकि जो प्रस्तुतियाँ थी वे लिखते थे तो उसमें वे कभी कभी क्या करते थे, जो उनकी नीतियाँ थी उनके बारे में वे आलोचनात्मक रूप वे दिखलाया करते थे प्रस्तुतियों के द्वारा। इसीलिए 12वीं शताब्दी में के लिए ये असाधारण ग्रंथ था। ठीक है, उसके बाद धन के लिए युद्ध। ठीक है, अब कोई भी युद्ध हो रहा है तो उसमें बहुत आवश्यक सी बात है कि धन की बहुत आवश्यकता होगी और धन को किस तरह से उपयोग में लाया जाता था उसके बारे में अब हम लोग आगे देखेंगे। तो आपने ये चीज़ों में गौर किया होगा कि प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, है ना। कोई भी एक अगर राष्ट्रकूट की अगर हम लोग बात करें तो उन लोगों के लिए एक क्षेत्र डिसाइडेड था। ठीक है, वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते रहते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर उस समय में लगातार युद्ध हुआ करते थे, एक राजवंश दूसरे राजवंशों से कंटिन्यूसली आपस में युद्ध कर रहे होते थे, तो उसको वे नियंत्रण करने के लिए लगातार वे क्या करते थे, युद्ध किया करते थे। तो एक विशेष रूप में वांछनीय क्षेत्र था जो कि गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर पर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। तो नियंत्रण के लिए जैसे मैंने आपको बताया वे आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीन पक्ष थे जैसे कि हमने देखा। इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इनकी चर्चा को क्या कहा है, आपको याद रखना है कि जो क्या है ये, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की गई है। तो आपको पूछा जा सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वे किन तीन राजाओं को या तीन पक्षों को लेकर जो लड़ते थे आपस में उनके बारे में है, तो आपको ये शब्द याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन का प्रयास किया। तो उस समय में क्या होता था, जो राजा वहाँ पर राज्य करते थे तो वे क्या करते थे, मंदिरों का निर्माण करते थे और वे ऐसा बताते थे कि जब उनकी सत्ता थी वे जब यहाँ पर राज कर रहे होते थे तो वो प्रदर्शन जो संसाधन थे उनके पास उनका वो क्या करते थे, प्रदर्शन करने का वे प्रयास किया करते थे, मतलब मंदिरों को बनाकर वे ये बताना चाहते थे कि हमने इस मंदिर का निर्माण कराया है। तो ये आपको ये चीज़ें उस समय भी देखने को मिलती थी और अगर आप अगर अभी चीज़ों को समझते हो तो आपको वह चीज़ आज भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। तो जब आपसी में झगड़े होते थे तो वे जो आक्रमण करते थे एक दूसरे के ऊपर तो वे मंदिरों को भी निशाना बनाया करते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही शासक था। ठीक है, गजनी महमूद ऐसा ही शासक था, उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित को सब कॉन्टिनेंटल के उपमहाद्वीप में 17 बार, मतलब 1000 से लेके 1025 ईस्वी, मतलब 25 साल में हमला किया।
उसका निशाना था संपन्न मंदिर। वे क्या करता था, जो मंदिरें थे उनके ऊपर वे निशाना बनाता था, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था, है ना। सोमनाथ मंदिर अगर आप कभी गुजरात जाओ तो ज़रूर आप जाके देख सकते हो कि इतने सालों पहले भी जो मंदिर को बनाया गया उसकी जो चमक है वे आज भी उतनी ही है जितनी उस समय में हुआ करती थी। ठीक है, जो महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी के एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। तो जितनी भी चीज़ों को मंदिरों को लूटता गया गजनी महमूद, उसने जितने भी धन एकत्रित किया, जितना भी धन उसने जमा किया ये सब जगहों से मंदिरों से, क्योंकि मंदिरों में अक्सर क्या हुआ करता था, धन बहुत सारा हुआ करता था, बहुत सारे सोने चांदियों की चीज़ों से मंदिरों को सजाया जाता था। तो ऐसे में उसने जितना भी धन ले गया उसने क्या किया, उस धन का एक अपनी खुद की वैभवशाली राजधानी बनाने के लिए उस धन का उनने उपयोग किया। तो आपको पूछा जा सकता है कि महमूद गजनी ने जो धन यहाँ से लूटा उसको उसने किस चीज़ में खर्च किया। तो ये क्वेश्चन है जिसको आप लोग लिख सकते हो। तो युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चौहान भी कहते हैं, जो बाद में चौहान के रूप में जाने जाते हैं। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। तो जो चौहान थे वे कहाँ पर मेन तौर पर शासन करते थे, तो मुख्य तौर पर वे दिल्ली और अजमेर में वे शासन किया करते थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपना नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्होंने गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी, जो कि चौहान थे, शासक पृथ्वीराज द्वितीय। ठीक है, यहाँ पे मैं पृथ्वीराज द्वितीय की बात कर रहा हूँ, आप लोग को ये नहीं समझना है कि पृथ्वीराज चौहान वन है, ठीक है, तो ये द्वितीय है, ठीक है, जो कि 1668 से 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को कब हराया, 1991 में हराया। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जो पृथ्वीराज तृतीय है जिसका शासन काल गया था 1168 से 1192, और उसने क्या किया, सुल्तान मोहम्मद गौरी जो था अफगान का जो शासक था उसको उसने 1991 मतलब 92 तक उसने राज किया। तो एक साल पहले 91 में उसने उसको हराया, लेकिन दूसरे ही साल 92 में वे उसके हाथों हार गया, मतलब पहले 91 में वे उनने हरा दिया पृथ्वीराज तृतीय ने, लेकिन अगले ही साल वे उसी के हाथ से फिर हार गया। तो जैसे कि हमने बात किया था कि इस चैप्टर में मेन तौर पर हम लोग चोल के बारे में बात करेंगे, तो अभी हम लोग देखते हैं चोल राज्य, और नज़दीक से हम लोग चोल राज्य को समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आप लोग को एक क्वेश्चन है कि मानचित्र एक को दोबारा देखिए, आपको जो फर्स्ट नंबर का मानचित्र है उसको फिर से देखना है और विचार विमर्श करना है कि जो चौहान थे उन्हें अपने इलाकों का विस्तार करना क्यों करना चाह होगा। तो आपको बताना है कि चौहानों ने क्यों अपना जो इलाका था उसको विस्तार करने की उन्होंने सोचा होगा। ओके, तो मुख्य तौर पर हम लोग जब चोल राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो क्या देखने वाले, हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो उरैयूर से तंजावुर तक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भव्य मंदिर और कांस्य है, उसके बाद और मूर्तिकला है उसी के साथ साथ, और फिर हम लोग देखेंगे कि जो कृषि और सिंचाई है, और उसके बाद जो साम्राज्य का प्रशासन है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे चोल राज्य के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चोल वंश सत्ता में किस तरह से आया। तो बहुत ही आसानी से अगर हम लोग आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोल वंश सत्ता में किस तरह से आया, तो आपको बताना है कि जो कावेरी नदी में, कावेरी डेल्टा में जो मुट्टियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, वे कांचीपुरम में पल्लव राजाओं के मातहत थे, और जो उईआर के चोलवंश प्राचीन मुखिया परिवार में विजय लावल थे। 9वीं सदी के मध्य मुट्टियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया और वहाँ तंजावुर शहर और निशुम्भू सुदिनी देवी का मंदिर बनाया। तो आपको समझना है कि जो चोल वंश है वो मुख्य तौर पर जो डेल्टा मुदियार नामक से प्रसिद्ध हुआ है, एक छोटा सा परिवार था वहाँ से, ये सत्ता थी उनकी, तो वे उस तरह से वहाँ पर आया। तो उसके बाद इन्होंने जो 9वीं सदी के मध्य में क्या किया, मुट्टियारों को हरा दिया और डेल्टा पर कब्जा जमा लिया। तो उसने वहाँ के तंजावुर शहर और जो ये निशिमु भत सुदिनी नामक वहाँ पर एक मंदिर बनाया। तो आपको सर्च करना है कि ये मंदिर अभी कहाँ पर है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पर आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको अभी से हैंडल करना आना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मानचित्र दो को अगर हम लोग देखें तो चोल राज्य और उसके पड़ोसी
जो है वे हम आगे देखेंगे। तो आपको ये दिखेगा उपमहाद्वीप हमारा, तो यहाँ पर फिर से जो परिवर्तनशील रेखाओं से बनाया गया है, और ये जो जितना भी है वे क्या है, चोल राज्य है। तो उस तरह में आप लोग देख सकते हो दक्षिण कलिंगा काकाती है, ठीक है, उसके बाद वनवासी गंगावदी चोल कोच्चि, और ये जो है आपका उदयपुर और मदुरई, तो और यहाँ पे तंजावुर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वे आपको समझ में आएंगी जब चोल अभी हम लोग समझेंगे तो आगे। तो जो विजय वालों के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों में जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल में तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया, तो किस तरह के जो चोल राज्य था वे धीरे धीरे बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर में पांड्यन और पल्लव के इलाकों में इस राज्य का हिस्सा बना लिया गया, तो किस तरह से उन लोगों ने राज्यों को मिला मिलाकर जो हिस्सा है वे जोड़ते गए और वे बनाते गए। तो जो राजाराम प्रथम थे जो कि शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन है, तो कौन है, राजाराम प्रथम है सबसे शक्तिशाली चोल, जो कि 1585 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। तो जितने भी आपको क्षेत्र दिख रहे हैं इन क्षेत्रों में जो जिनका नियंत्रण था, किसका नियंत्रण था, राजजार प्रथम का, ठीक है। उसके बाद उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पूर्ण गठन किया। राजराज के पुत्र जो थे, कौन था राजराज के प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देश पर हमला किया। तो निरंतर क्या किया, उन्होंने जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे वहाँ पर लगातार हमला किया, और इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाते गई, तो एक जल सेना भी उन्होंने वहाँ पर बनाया। अब चोल सेना में जो मुख्य भव्य मंदिर थे और जो वहाँ पे मूर्तिकला की जाती थी उसके बारे में अगर हम लोग देखें, तो राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत और मूर्तिकला में दृष्टि में एक चमत्कार है, जो कि आप लोग ये देख सकते हो चित्र 3 में, गंगईकोंड चोलपुरम का एक मंदिर है, जो कि इस क्षेत्र में छत किस तरह से क्रमश पतली हो गई है और गौर करें, और बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उन्हें भी आप लोग देख सकते हो। तो ये जो है गंगईकोंड चोलपुरम की मंदिर है, इसको आप लोग देख सकते हो। तो ये मुख्य तौर पर जब चोल का वंश था, चोल राजाओं का जब अधिकार था वहाँ पर, तो उन लोग का जब राज्य था तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों का केंद्र बन गए, उन्हें शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा बनाई गई थी, जो कि उनके द्वारा जो भूमि संपन्न की गई थी उन वहाँ पर ये मंदिरें बनाई गई थी, ठीक है। ये देखो ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि, जो भूमि उनको दे दिया जाता था से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिरों के आसपास रहते थे। तो जो मंदिरों से जितना भी प्रॉफिट होता था उन प्रॉफिटों को वे क्या करते थे, जो आसपास के लोग रहा करते थे उनके लिए वे लाते थे, जैसे कि पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतार, संगीतकार, नृत्य इत्यादि, तो इन लोगों पर उन पैसों का उपयोग किया जाता था। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान ही नहीं थे, बल्कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो जीवन थे उनका भी वे केंद्र माने जाते थे। तो मंदिरों का उपयोग केवल सिर्फ वहाँ पर पूजा आराधना के लिए नहीं किया जाता था। तो आपको समझना होगा कि उस समय में मंदिरों का जो उपयोग था वे विभिन्न प्रकारों से किया जाता था, ठीक है। मंदिरों के साथ जड़े हुए शिल्पों के सबसे विशिष्ट था, जो कि कांस्य प्रतिमाओं बनाने का काम, चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं से गिनी जाती है। तो जब प्रतिमाओं की बात आती है तो वहाँ पर चोल को भी गिना जाता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत महत्वपूर्ण की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि भक्तों की नहीं बनाई जाती थी, जो भक्त थे उनकी भी जो प्रतिमाएं हैं वे बनाई जाती थी, ठीक है। तो अब चोल वंश में जो कृषि और सिंचाई का उदय हुआ उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चोल की कई उपलब्धियों में कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। तो उस तरह उस समय जब चोल वंश राज कर रहा था तो क्या हुआ, जो कृषि थी वे भी आप लोग को नए विकासों के माध्यम से संभव होते हुए दिखाई देंगी। उसके बाद अगर मानचित्र अगर हम लोग 2 को देखें, तो आपको मानचित्र 2 में देखने को मिलेगा कि जो कावेरी नदी के बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है,
ठीक है। तो जो कावेरी नदी है वे जब गंगा में मिलती है, ठीक है ना, पहले तो आपको कावेरी नदी ढूंढना है। तो जब आप लोग पढ़ लोगे पूरा ज्योग्राफी तो आपको ये बहुत आसान होगा, पर जब भी हम लोगों की जो ज्योग्राफी की सीरीज़ है वे भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगी, तो आपको वहाँ से समझ में आएगा कि किस तरह से जो नदियाँ थी वे कावेरी नदी जब मिलती थी गंगा में जाके, तो वे क्या होती थी, थोड़े थोड़े अपने क्षेत्र में बट जाया करती थी, ठीक है। तो उसके बाद ये शाखाएं बार बार पानी उछलती थी जिसमें किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती थी। आपने देखा होगा जब मंदिर जब जो नदियां हैं वे जब बट जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पर साइड साइड में जो मिट्टी है वे भी जमा हो जाती है, ठीक है। उसके किनारे उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेष चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है, ठीक है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आके इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ कर दिया जाने लगा। जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे खेतियाँ होती जाती है तो पहले खेती करने के लिए जंगलों को काटना पड़ता है, तो उस तरीके से लोगों ने जंगलों को साफ किया और कई जो जमीन थी उनको समतल बनाया। तो डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का भी निर्माण होता था। तो अब बहुत ऑब्वियस बात है कि जैसे जैसे हम लोग कृषि करते जाएंगे तो हमको वहाँ पे नहरों का भी चाहिए होगा, क्योंकि हमको पानी चाहिए। तो उन लोगों ने वहाँ पर नहरों का भी निर्माण कराया, ठीक है। जो नहरों का जो आपको पता है कि इसीलिए उपयोग में लाया जाता है कि एक जगह से जो दूसरे जगह पानी पहुँचाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो मुख्य तौर पर नहरें कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो देखोगे आप लोग। हाँ, तो ये कुछ इस तरीके से होती है नहरें, बहुत ही बारीकी से खेत के बाजू से जाती है जिसमें लगातार पानी बहते रहता है, और इसको ऊंचाई से लेकर निचाई में बनाया जाता है जिस वजह से इसमें पानी लगातार बहते रहता है। तो जब अगर आप लोग बारिश के टाइम में जाओगे तो आपने आपको इन नहरों में हमेशा पानी दिखाई देगा, पर हो सकता है अगर आप लोग कोई और सीजन में जाते हो तो इस नहरों में आपको पानी की थोड़ी कमी दिखाई दे, ठीक है। कई क्षेत्रों में एक साल में दो फसलें उगाई जाती थी, होता है ना कभी कभी एक ही खेत में हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उनका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कई फसलों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से कराना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धति अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए और कुछ जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठे करने के लिए सरोवर भी बनाए गए। तो जितनी भी पॉसिबल चीज़ें थी जैसे कि पानी को जमा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए जाते थे और पानी के लिए कुएं बनाए जाते थे। तो अगर आप लोग चित्र 4 में देखोगे तो ये एक चोल कांस्य प्रतिमा है, कितनी सावधानी से उसे अलंकृत किया गया है, आप लोग इसको गौर कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो उतने समय पहले इसको कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, आप लोग देख सकते हो। इसमें आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेंगी, और इतनी खूबसूरत प्रतिमाएं उस समय में बनाई जाती थी। अब आप लोग को ये दिखेगा एक नदी के ऊपर ये, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इस पर चीज़ें जरूरी होती है जैसे कि श्रम और संसाधनों का व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों के साथ गांव में रहने वाली गतिविधियों के सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। तो क्या होता था, जब राजा लोग चीज़ों को करते थे तो उनके साथ साथ जो वहाँ के लोग थे जो कि कृषि किया करते थे वे लोग भी उनके साथ आते थे, और कई योजनाएं उस लिए बनाई जाती थी। तो अगर आप लोग चित्र 5 को देखोगे तो 9वीं शताब्दी तमिलनाडु में एक जलहार हौज से नदी शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। तो ये आपको जो देखने को मिल रहा है इसके जरिए क्या करते थे, जो पानी का प्रवाह है उसको यहाँ पे किया जाता था, ठीक है। उसके बाद इस पानी में खेत सींचे जाते थे। जलतोड़ पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बांधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों को नहरों में दर प्रवाह को संचालित करते थे, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो उस समय साम्राज्यों का जो प्रशासन है वे भी देखा गया। तो जो प्रशासन किस प्रकार से संगठित था, जैसे कि किसानों की बस्तियाँ जो उर कहलाती थी, ठीक है। तो उर क्या कहलाती थी, जो किसानों की बस्तियाँ थी उसे क्या कहते हैं, उर कहते हैं। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूहों को क्या कहते थे, नाडू कहा जाता था। तो ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकारी की देखरेख में जो नाडू के कामकाज अच्छे खासा नियंत्रण हासिल किया, उसमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में क्या दिया, मुविंदन वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या फिर किसान, और जो अय्यार है वे की प्रधान होता था, जैसे कि उनको उपलब्धियाँ दी जाती थी। तो अलग अलग तरीके से उनको उपलब्धियाँ दी जाती थी, और कई महत्व
महत्वपूर्ण जो राजकीय पद थे वे उनको सौंप दिए जाते थे। ठीक है, अब जो भूमि के प्रकार थे वे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों को उल्लेखित मिलता है। जैसे कि अगर आप लोग वेल्लन, थोड़ी ये तमिल नाम होते हैं तो इसको पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ जाती है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि ऐसे ही शब्दों से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि जो वेल्लन वगाई है, जो कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहा जाता था। फिर अगर हम लोग ब्राह्मदेह देखें तो ब्राह्मणों को उपहार में जो दिया जाता था उन्हें क्या कहते थे, उस भूमि को ब्राह्मदेह कहा जाते थे। शाला भोग, जिस किसी विद्यालय या रेख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे क्या कहते थे, शाला भोग कहा जाता था। अगर हम लोग देवखान या फिर तिरुन मटखनी की बात करें तो इसको जो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि के दी जाती थी उसको हम लोग क्या कहते थे, देवदान तिरुन मटखनी ऐसा कहा जाता था। अगर हम लोग पल्ली चंदम की बात करें, ये संसाधनों में जो दान की दी जाती थी उनको हम लोग क्या कहते थे, पल्ली चंदम कहा जाता था। ठीक है, तो हमने देखा है कि जो ब्राह्मण थे वे समय समय में क्या करते थे, अपने भूमि अनुदान या ब्राह्मदेह प्राप्त हुआ। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप जो कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरे ब्राह्मणों बस्ती अस्तित्व में आने लगी। तो धीरे धीरे क्या होते गया, अस्तित्व में आने लगी। तो जो प्रत्येक ब्राह्मदेह की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत ही कुशल पूर्व काम करती थी, मतलब कोई भी काम को इन लोग जो परफेक्टली किया करते थे। इनका निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों के पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरावार दर्ज किए जाते थे। जो नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ के अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। जैसे कि अगर अब लोग जो तमिलनाडु में आप लोग देखोगे चिंगलपुट है ना, चिंगलपुट जिले के उत्तर में इतने प्राप्त अभिलेखों में कुछ बात सविस्तर वर्णन है, जो कि यहाँ से जो कुछ अभिलेख मिले हैं वहाँ से एक सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की जो सभा थी वो संगठन कैसा था। सिंचाई में कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादियों की जो देख रेख के लिए सभा में विभिन्न समितियाँ होती थी। इनमें सदस्य के लिए लोग योग्य होते थे, उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तनों में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लकड़ी को यह समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो अभिलेख और उसकी लिखित सामग्री है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो अगर हम लोग आगे चले तो जो सभा की जो सदस्यता थी उसके लिए कुछ रूल्स होते थे। तो जो उत्तर मेरुर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें उसके अनुसार, तो उसकी कुछ सदस्यता के लिए कुछ चीज़ें होना जरूरी होता था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो सदस्य के लिए सभी के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए। तो उस समय भी ऐसे बहुत सारे रूल्स थे जो कि अगर आपको सभा का सदस्य बनना है तो वो आपके पास उन जितने भी रूल्स हैं उसको क्वालिफाइड करना बहुत ज़रूरी होता था। तो ये उस समय से भी चले आ रहा था। जहाँ से भी भू राजस्व वसूला जाता है उनके पास अपना घर होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशंस थी। उनकी उम्र 35 से लगभग 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और वे ईमानदार भी होना चाहिए। तो इस तरह की जो एलिजिबिलिटी है, यदि कोई पिछले 3 सालों में समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का अध्यक्ष नहीं बन सकता। मतलब अगर पिछले 3 साल में वो कोई भी सदस्य रहा है किसी समिति का तो वे अब नया सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, जिसने अपने अपने संबंधियों के खाते में जमा नहीं कराए हैं वे चुनाव नहीं लड़ सकता था। ठीक है, तो अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इनके राज्यों में किस तरह से हुआ करता होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो 12वीं शताब्दी थी उसमें जो तमिल कुर्ती थे, पेरियापुरम थे, तो उसके लिए एक हम लोग उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। तो अडनूर की जो सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अड़ा पुलाया, जैसे कि उसको हम लोग एक समूह कह सकते हैं, जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठा समाज में क्या मानते थे, समाज के बाहर वे उन लोगों को माना करते थे। तो आपको बताना है कि ये चीज़ें अभी भी आपको देखने को मिलती है, कि ये चीज़ें बहुत हद तक कम हो चुकी है। तो लोगों को एक छोटा सा पुरावा था जिनमें ओछे किस्म के पेशे पे लगे खेतियार मजदूर रहते थे। चमड़ों की पट्टियों से घिरी झोपड़ियाँ के आहतों में जो छोटे मुर्गी मुरियाँ झुंडों में घुमा करते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए और छोटे पिल्लों को उठाए उछलते रहते थे। जो मारू पेड़ों की छाया में मधुरूनी और अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला देते थे। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो धान कुट्टी लर ओके ओके तो उतना कुछ
महत्वपूर्ण है नहीं, तो भी आप लोग एक उदाहरण के लिए इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक बार हम कोशिश कर ही लेते हैं क्योंकि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे पिल्लों में उठाते थे, उछालते थे, मारुत पेड़ों की छाया में मजदूर ने अपने बेचों को, जो कि हमने देखा, जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गद्दों में सारे कुत्तियाँ पिल्लों को दूध पिलाने के लिए बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों में पौ फटने से पेट पुलियार पुलायन का जो एक बहुवचन होता है को दिन में काम किए जाने के आँख लगाते हुए बांट दी। धान कुटती लगहार स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोज और फैले फैलते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो आपको एक क्वेश्चन है कि इस पूर्वे में कुछ ब्राह्मण थे जिनकी जिनकी तरह गतिविधियाँ चल रही थी, उनके वर्णन करना है आपको और अपने ख्याल से इन अभिलेखों में सबक बताना है। तो आपको एक कल्पना करना है कि आप एक सभा के चुनाव में मौजूद हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, फिर ये जो क्वेश्चंस है, ये आपको क्वेश्चंस के सारे आंसर हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।